और अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। तो भाई पुलाव के अंदर जब तक हड्डी ना हो तो मजा नहीं आता है, समझो। मैंने ये पुटलिया बना ली है छोटी सी, सही है। तो गाइस ये हमारी यखनी बन गई थी, अब हम इसको डालते हैं बिस्मिल्लाह करके थोड़ा सा करीब करते हैं, तकरीबन इसको 4 घंटे के लिए हमने भिगो के रखा है, तेला चावल है, सही है। ये डाल लेते हैं अब इसकी बारी आगे। सुभान अल्लाह, खुशबू देख रहे हैं भाई आप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, और मैं आपका दोस्त मोहम्मद दानी। तो दोस्तों हर बार की तरह आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ हम लोग हाजिर हो चुके हैं, और आज की रेसिपी हमारी बीफ यखनी पुलाव की। तो दोस्तों ये बीफ यखनी पुलाव के हम बहुत बड़े शौकीन है खुद भी, तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी जो है बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी दें, वो भी होम मेड। बाहर के तो हर कोई खा लेता है, लेकिन घर वाला जो यखनी पुलाव होता है उसकी एक बात ही अलग होती है। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे यखनी पुलाव, और एक मुनफरद अंदाज से बनाते हैं हम लोग। आप लोगों को पता है हम लोग की कोई ना कोई चीज यूनिक होती है। तो दोस्तों वीडियो को देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, आप और मैं मिलकर शुरू करेंगे, लेट्स गो गाइस। हम लोग सबसे पहले जो है यखनी बना लेते हैं अपनी। यखनी का प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने ये जो है कुकर रख लिया अपना, अब इसके अंदर में जो है सबसे पहले अपना गोश्त डालेंगे। गोश्त को हम लोगों ने धो लिया था अच्छी तरीके से, तो अब इसके अंदर हम गोश्त डाल देते हैं। कितना गोश्त है ये यार, मैंने आपको बताया था ना 1 किलो ऐसा। हड्डी वाला कौन सा गोश्त है? भाई पुलाव के अंदर जब तक हड्डी ना हो तो मजा नहीं आता है, समझो। फटाफट में गोश्त डाल लेता हूँ। फटाफट तो तुम कर ही नहीं रहे, सुस्त मारो की तरह कर रहे हो। तुम आ जाओ, हमसे ना हो पाएगा। तो बस कुछ देखो बैठ गए। गोश्त मैंने डाल दिया, अब इसमें पानी डालता हूँ मैं। होय 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 होय, ये हमने ये लहसुन का एक जवा लिया हुआ है, ये इसको भिगो कर रखा हुआ था ताकि कोई गर्द गुबार हो और कोई मिट्टी वगैरह वो जो है हट जाए। ये जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने प्याज ले ली है तकरीबन, ये देख रहे हैं आप, 2 मीडियम साइज की हैं, 2 छोटी हैं। ये प्याज जाएंगे इसके अंदर साबुत, समझ रहे। ये चली गई, ये काट के नहीं डलती? नहीं, ये काट के नहीं डलती, यखनी में ये साबुत डलती है। नमक जो है आप लोग हमेशा हसबे जाएगा अपने हिसाब से जो है ना, मैं आपको बोलूंगा मेरे कहने पर आप नहीं चले। वैसे ये 2 चम्मच है, बाकी आपके अपने घर में जो चलता है उस हिसाब से डालेंगे। तुम्हारे घर वाले नहीं सुनते है, जब भी तुम बनवा रहे हो मुझसे। आप ये मलमल का कपड़ा ले लेना, अगर आपके घर में मलमल का कपड़ा है, इसके अंदर हम लोग डालेंगे। तो गाइस ये देख रहे हैं, ये सौंफ मैंने भिगो के रख दी थी, तकरीबन जो है ये है 3 चम्मच। अच्छा, इसको भिगोने के बाद जो है इस तरह छन्नी हो आपके घर में, तो छन्नी ले लीजिएगा। ये डालें इसके अंदर, ये हमने सौंफ डाल लिए। इसी तरह हमने जो है साबुत धनिया भी हम लोगों ने जो है भिगो के रख लिया था, इसको भी जो, और ये तकरीबन 5 चम्मच है, तो इसको भी हम लोग डाल लेते हैं इस मलमल के कपड़े के अंदर जल्दी जल्दी। अब इसके अंदर जो है हम लोग इसकी बनाएंगे पुटलिया, समझ रहे आप? समझे, आप समझ लो। इसकी हम लोगों ने पुटलिया बनानी है। वाह भाई वाह, मुंह माने के शशक। मैंने ये पुटलिया बना ली एक छोटी सी, सही है। जैसे इसमें तुम्हारे कपड़े हैं? कपड़े नहीं है इसमें, याद है किसी जमाने में हमारी जो है नानी पर नानी जो है ऐसे पान बना के रखती थी। बुड्ढे हम तो जवान भाई। ये पुटलिया आप जो है इसमें डालते हैं, वो ये साइड में रख दें। अच्छा, इसको बांधने का मकसद ये होता है कि आपको बाद में अलग जो है ना, ये धनिया वगैरह यखनी में आता है बहुत अजीब लगता है। तो अब जो है हम इसके साथ इसका ढकना बंद करते हैं, समझ रहे हो भाई। ये इसका ढकना लिया हम लोगों ने। अच्छा, मैं आपको अपने गाइस को बताता चलूँ, ये हमारा कुकर जो है ना ये इंडियन कुकर है, समझ रहे हैं, ये पाकिस्तानी कुकर नहीं है। ये हमारे इंडिया से हमारी पप्पो हैं, उन्होंने हमें गिफ्ट करा था, ये इंडियन कुकर है। वेलकम बैक गाइस। तो मैं बताता चलूँ, हमारी यखनी बन चुकी है, और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे माहौल रात हो चुकी है। बोल लूँगे यार कुकर में अपना गोश्त गलाया फिर भी इतनी देर में। तो मैं आपको बताता चलूँ, हम लोग रहते हैं कराची में, और आपको पता है कराची के अंदर गैस की रूटीन क्या चल रही है, कोई टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस वजह से देर हो गई। खैर बात को करते हैं शॉर्ट। तो हमारी यखनी बन के तैयार हो गई, और हमने थोड़ा ठंडा कर लिया था इसको। तो अब इसको हम खोलते हैं और देखते हैं यखनी किस तरीके से बनी है। बिस्मिल्लाह, ये देखें गाइस। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें गाइस, सबसे पहले जो है मैं इसको अपने पुटलिया को निकाल लेता हूँ। कपड़े निकाल लो अपने। हाँ, ये हमारी पुटली है, इसको निकाल लें। ये रस निकालना है, सारा रस निकालना है। ये निकाल लें।
वाह भाई वाह, क्या डाला हुआ है कुकर में यार। अभी दिखाता हूँ जरा, ये निकाल लूँ मैं, थोड़ा सा ये हो जाए तो मैं इसको जो है साइड कर लेता हूँ। ठीक है, सही है। तो ये देखें गाइस, यखनी को आपको दिख रहा होगा अलग ही लुक आ रहा है, ये देखें। ओहो माशाल्लाह, और हम लोग अपना गोश्त क्या बोटियां निकल के हिल रही है। ये देखें गोश्त देखें आप, सारा एकदम हलवा गोश्त हो गया ये सारा भाई, बेहतरीन, अच्छी तरह गल गया, अच्छी तरीके से हमारा गोश्त जो है गल चुका है। अब जो है हम लोग अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं, तैयारी करते हैं अपने पुलाव बनाने की। तो गाइस, हम लोगों ने जो है यखनी को अलग कर लिया है। अब हमने रखा है बड़ा सा जो है अपना पतीला, इसके अंदर हम डालेंगे 4 चम्मच। अब पुलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, बिस्मिल्लाह। ये 4 चम्मच हमने तेल के लेने, कुकिंग ऑयल आप कोई सा भी ले लें। तो ये हमने डाल दिया इसके अंदर 4 चम्मच ऑयल। ये प्याज मैंने जो है बारीक कर ली थी। अच्छा, ये पूरी प्याज नहीं डलेगी, तकरीबन आधा पाव से थोड़ी सी कम प्याज डलेगी, ये मैं पूरी नहीं डालूंगा, इसको बचा लूंगा। बिस्मिल्लाह, ये देख रहे हो, ये मैंने तीसरी प्याज बचा ली है, ये जो है भंगार के लिए रखी है मैंने। अच्छा, ये साबुत गरम मसाला है, मैं इसको आपको बताता चलूँ। आपने इसके अंदर लेना है 4-5 जो है पत्ते हैं अपने तेज पात के पत्ते, जिसे कितने हैं वो हैं। अच्छा, इसके साथ ही 2 बड़ी इलायची हैं और 10-15 दाने अपनी काली मिर्चों के हैं, 8-10 दाने लौंग के हैं, छोटी 2-3 लकड़ियाँ आप जो है दालचीनी की ले लें। अच्छा, इसके साथ जो है 8-10 हमारे दाने इलायची के हैं और अपना ज़ीरा है। ये सारा गरम मसाला हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा भी जरा जब तक लाल हो जाए, ये लाल हो जाएगा, फिर हम जो है अभी जब तक हरी मिर्चें हमारी, हरी मिर्चों को जो है कूट लेते हैं इमामदस्ते के अंदर, फिर आपको जो है मिलते हैं थोड़ी देर। तो ग्लेंडर कर सकते हैं ना यार, टाइम देखो, हर चीज ग्लेंडर में मजा नहीं करती है, कुछ जो मेहनत हाथ से होती है ना उसकी तो बात ही अलग है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हरी मिर्चें हैं तकरीबन 10-12, इसको कूट लेते हैं। तो गाइस, ये मैं जरा जल्दी जल्दी से कूट लूं। तो गाइस, हमारी प्याज देखें ब्राउन हो चुकी है तकरीबन, और अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये दिखा दूं, ये अदरक जो है, ओ सॉरी, लहसुन जो हमने यखनी में डाला था ये वो है, और प्याज है, हाँ पोटली वाला प्याज और लहसुन। अच्छा, डालो ये भी डालना है इसके अंदर, सही है। और ये डालने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब जो है इसके साथ मैं आपको बताता चलूं, इसमें हम लोग डालेंगे ये जो हम लोगों ने हरी मिर्चें कूट ली थी, इसको थोड़ा सा दरदरा रखना, पूरा पेस्ट नहीं बनाना है। अब ये डालेंगे हम इसके अंदर। गाइस, ये झूठ बोल रहा, ऑफ कैमरा से मुझसे पिसवाइए ये। कुछ तो करो यहाँ बैठ के। तो हम लोग ये मिर्चे हैं ये डाल लेते हैं। ये मसाला देख रहे, थोड़ा करीब से दिखाओ यार उसामा, ये हमारी वालदा मोहतरमा का मसाला है, घर का पुलाव मसाला। अच्छा, हम लोग इसमें जो है ना बाहर का कोई भी साक्षी नहीं डालेंगे, ना कोई मसाला कोई चीज़ डालेगी, ये सिर्फ हमारे घर का बना हुआ है, 4-5 मसालों से मिलके बनता है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी रेसिपी। खराब होता है ये मसाला, ये आप तकरीबन बना के रख लें, साल भर कहीं नहीं आता ये, सही है। अब इसकी बारी आ गई, ये डाल लेते हैं। हाँ, ये बताता चलूँ, कम से कम ये 2 से 2.5 चम्मच जो है हमारा ये मसाला जाएगा इसके अंदर। इसके बाद जो है हमारा नमक जाएगा। अच्छा, नमक के मैं क्वांटिटी आपको बताऊंगा नहीं, मैं तो डाल रहा हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून, सही है, बड़ा वाला, आप अपने हिसाब से जो है। ये कोई सीक्रेट मसाला नहीं है, घर घर में होता है गरम मसाला, ये वो जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये जाएगा सीसा हुआ। अच्छा, ये दलिया उसमें थोड़ा सा चम्मच चलाते हैं। तो गाइस, ये सारे मसाले दल गए, इसके बाद हम एंड में डालेंगे दही, तकरीबन आधा पाव के करीब ही हमारी दही है, ये डाल लेते हैं मसाले के अंदर अपने। इसको अच्छी तरीके से चम्मच चलाएं और बुनाई करेंगे इसकी, थोड़ी देर इसकी बुनाई करेंगे, बुनाई करने के बाद थोड़ी देर में जो है इसके अंदर हम लोग यखनी डालेंगे, अभी इसकी थोड़ी मसालों की बुनाई करनी है। तो गाइस, तकरीबन हमारा जो है मसाला भुन गया, थोड़ा सा उसामा करीब करके दिखाओ, ये देखो कलर कैसा आया निखर के। अब इसमें बारी आ गई है यखनी डालने की, तो अब इसमें हम लोग डालते हैं यखनी। तो गाइस, ये हमारी यखनी बन गई थी, अब हम इसको डालते हैं बिस्मिल्लाह करके, थोड़ा सा करीब करके। ये हमने यखनी डाल दी। अच्छा, गोश्त हमारा बिल्कुल जो है कुकर के अंदर गल गया था। अब गाइस, इसके बाद जो है इसकी बारी आती है चावल डालने की, हम लोग चावल डाल लेते हैं। अच्छा, मैं आपको फिर बताता चलूँ, चावल हमने जो है सेला लिया है, तकरीबन इसको 4 घंटे के लिए हमने भिगो के रखा है, सेला चावल है, सही है। ये डाल लेते हैं, अब इसकी बारी आ गई।
ये बासपति में क्यों नहीं बनाई पुलाव? यार मैं आपको बताऊं, बासपति में बनाएंगे तो बहुत अच्छा मजा आता है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना, मैं आपको बताता चलूं, वीडियो बनाने के लिए हमने ये सेला लिया है, क्योंकि चावल का देखें सिर्फ खूबसूरती होती है और कुछ नहीं होता, जायका असल जो होता है हमारा बासपति में होता है, ये खूबसूरती के लिए होता है। इसी वजह ये भी आज के जितने भी रेस्टोरेंट है सबका सेला है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो जायका इनहेंस होता है वो बासपति में होता है। चावल बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा भाई, आपको जो पसंद हो, सेला बासपति। अच्छा अब इसके अंदर हम लोग डालते हैं पानी, सही है, ये डालते हैं हम पानी, बस थोड़ा सा पानी डालेगा, तकरीबन एक कप के बराबर जो है इसमें पानी डाल लें, सही है, इसको मिक्स कर लें और इसको जो है फिर ढक दें। तो गाइस मुझे पानी इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था, वो मैंने और डाल दिया। अच्छा इसमें थोड़ा सा नमक चेक कर लेते हैं, नमक कैसा है, ये मुमानी नमक चेक करते हुए, यार नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा है, नमक इसमें थोड़ा सा और डालेगा तो थोड़ा सा नमक और ले लेते हैं, ये नमक डाल दिया। अच्छा इसके बाद जो बारी आती है वो केवड़े की, अच्छा ये मेरे पास लाइसेंस नहीं है, ये केवड़ा है, तो ये तीन ढकने इसमें जाएंगे तकरीबन, एक दो तीन। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आप लोग सोच रहे होंगे तकरीबन अपना पुलाव जो है बनने वाला है और इसमें टमाटर हमें कहीं नहीं दिखे, तो इसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ, हम जो पुलाव बना रहे हैं ये बना रहे हैं पुराने ओल्ड टाइप का, जो घरों में बनता था, सादा पुलाव होता है, सिंपल पुलाव होता है, सही है, तो आप वो बना रहे हैं हम लोग, ये जो आजकल के पुलाव ना टमाटर डाला फटाफट बना लिया, उसमें वो चीज़ नहीं है। जब ये पुलाव आप घर में बनाएंगे ना रेसिपी, आप बगैर टमाटर के बना के देखिएगा, आपको मजा आएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि कैसा लगा आपको। चम्मच चला के तो दिखाओ थोड़ा सा यार। सही है भाई, ये अब हो गया, सारी चीजें डाल दी, अब इस पर जो है ढकना ढक के जब तक पानी खुशक होता है, फिर उसके बाद दम पे लगाएंगे। कहाँ तक पानी खुशक हुआ है, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। ये देखें गाइस, ओहो अभी भी थोड़ा सा पानी है, अभी पानी है थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा इसको जो है खोल के पकाते हैं जब तक थोड़ा सा पानी खुशक होता है। अभी ये पानी खुशक हो जाए, इसके अंदर फिर आखिरी चीज है वो डालते हैं हम लोग, फिर इसको लगाएंगे दम पे, फिर जब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस देखते हैं अभी हमारा पानी खुशक हुआ नहीं हुआ चावलों का, थोड़ा है हमारे साथ, आप भी देखें और हम भी देखते हैं। तकरीबन पानी खुशक हो चुका है, अब आ गई है इसकी बारी दम पे लगाने की, ये देख रहे हैं ऐसा खिला खिला है। हम इसके अंदर डालेंगे जर्दे का रंग, उसके बाद फिर हम लोग लगा देंगे इसको दम के ऊपर। तो ये मैंने थोड़ा सा जो है एक चम्मच जर्दे का रंग लिया था, उसको पानी में घोल के रख लिया था, सही है। आपके पास फूड कलर हो या कुछ हो आप वो डाल सकते हैं अपने जो है हिसाब से। अब इसमें जो है, सही है, अब इसको ढकना रख के इसको हल्की आँच पे जो हम लोग दम पे लगा देंगे, आज इसकी हल्की कर दें बिल्कुल दम के लिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है इसको दम पे लगाएंगे, उसके बाद जो है देखते हैं क्या कंडीशन है, 10 15 मिनट के बाद मिलते हैं। तो गाइस 10 15 मिनट हो चुके हैं हमें लगे हुए दम पे, अब देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, धुएं उठ रहे हैं भाई, खुशबू देख रहे हैं भाई आप, अब जरा इसको थोड़ा सा मिक्स करके देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। ये देखें सुभान अल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, धुआं ही धुआं। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा दूं, दिखाओ करीब से दिखाओ भाई, ये देखें और माशाल्लाह एक एक चावल अलग गिला गिला चावल है। देखो सेले में बनाने का ये होता है। तो गाइस मैं आपको ये बता रहा था शुरू में, आपने देखा होगा, आप लोग समझ लोगे, प्याज थोड़ी सी हमने जला दी, तो ये प्याज जली नहीं थी असल में, आप कलर देख रहे हैं, ये दिखाया जा रहा सामान, ये कलर आपने देखा नहीं ना, ये थोड़ा सा जो डार्क कलर आया ना वो प्याज को थोड़ा सा डार्क ब्राउन ज्यादा करना होता है यार, ये कुछ बन्नू स्टाइल वाली नहीं लग रही। बस आप, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये रेसिपी घर पे ट्राई करें और बनाने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताइए कैसी बनी है। ये ओल्ड स्टाइल जो है हमने पुलाव बनाई है, यखनी पुलाव, ये बाजारू नहीं है। तो दोस्तों अब तकरीबन जो है ना इसको हम लोग तैयार कर लेते हैं, डिश आउट करते हैं, आपसे दस्ता खान पे मिलते हैं। तो गाइस जैसे कि आप ही देख ही सकते हैं, आपकी और हमारी सबकी दिल अजीज बुमानी की ये मेहनत रंग ले आई है और रंग बहुत शानदार लेके आई है माशाल्लाह, मेरे को दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, मुझे उम्मीद नहीं थी बुमानी इतनी अच्छी पुलाव बना सकती है, क्योंकि अगर आपने देखा हो बाहर एक ही जैसे रंग की पुलाव मिल रही है, व्हाइट है तो व्हाइट है, बिरयानी तो बिरयानी, लेकिन भाई ये बुमानी ने जो है एक अलग ही रंग लाया है। वो इन्होंने कहा था यार मैं इसको जरा बन्नू स्टाइल में थोड़ी सी डार्क करूंगा, और लग भी रही है, और बकायदा जो है जर्दे का रंग डाला उससे रंग बिरंगी चावल हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई लुक वाइज तो बड़ी अच्छी है, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पहले मैं खा लूं फिर मैं कुछ कहना चाहूंगा। तो भाई शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह, यार चम्मच आज साइड में कर दो,
अच्छा बताता चलूं गाइस, ये मेरे घर की प्लेट है, मैं जब भी चावल बनते हैं ना इसमें खाता हूं मैं, क्योंकि छोटी प्लेट में बार बार मंगाओ, घर वालों का भी टाइम जाया, मेरे खुद का भी टाइम जाया, टाइम इज मनी, तो भाई मैं इसलिए बड़ी प्लेट में एक ही दफा भर के मंगवा देता हूँ। तो गाइस ये बोटियां है जीजा ने अपने हाथों से डाली थी। ओए होए होए जीजा, तुमने तो इस पे ही मक्खन मलाई कर दिया है, इससे पहले मैं चावलों पे आऊंगा और ये तो तुमने दिखाया ही नहीं है, ये छुपा रख। तो गाइस ये है लहसुन की चटनी, मैं आपको दिखाता चलूं गाइस, ये जो चटनी है ना ये पीसी मिर्च वगैरह की नहीं बनी हुई है, ये हमारे लेके आते हैं मिर्चें अलग से, तो उसको दो तीन चीजें मिला के स्पेशल से चटनी बनाई जाती है। अगर आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, मैंने कई बार लहसुन की चटनी का जिक्र करा है, तो ऐसे नहीं करा, अगर आपको भी ये चाहिए हो चटनी तो हम आपको कमेंट्स में बता देंगे। तो गाइस हम अब शुरू करते हैं पुलाव, नहीं बता देंगे गाइस, बता देंगे कमेंट्स में। ये आप बिरयानी देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा थोड़ा सा, है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा गाइस को भाई, अगर ये सीक्रेट रेसिपी है हमारी लहसुन की, ये आपको आम चटनी से बिल्कुल अलग है, अगर ये चटनी की रेसिपी चाहिए तो आपको नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, लेकिन क्या कर यार, नहीं बताएंगे, लोग जो है ना लाइक कम कर रहे हैं यार। अरे बता देंगे यार, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, क्या करना पड़ेगी, कमेंट करना पड़ेगा। अच्छा सा मैं खा लूं? तो गाइस अब शुरू करते हैं। अरे गरम, अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई खाता ही गरम है, तो भाई ये शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, यार मैं कह रहा हूँ बोटी ऊपर रखेंगे हमेशा, जब हम बाहर जाते हैं तब भी तो बोटी ऊपर ही रखते हैं ना। बिस्मिल्लाह, क्या कह रही है भाई? अभी कुछ नहीं कहूंगा। क्यों? ये तो यार सब इंतजार में बैठे हैं। मैं बस एक ही बात कहूंगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बड़ी मुमानी का नाम रहेगा, बड़ी मुमानी जिंदाबाद। भाई साहब बहुत लाजवाब बनाई है, लश्के बम्बू फाड़ के तम्बू, मुझे उम्मीद नहीं थी। सबसे ज्यादा तो खतरा ये था कि भाई ये नमक जो है ना कम या ज्यादा रख देगा, क्योंकि नमक इसके बस का काम था नहीं, लेकिन भाई इसने बहुत बैलेंस बनाया, मसाले बहुत अच्छे डले में, और लुक वाइज भी भाई बहुत अच्छी लग रही है जीजा, लेकिन थोड़ी सी गर्म ज्यादा हो रही है, अगर तुम थोड़ा सा ठंडा करके खाने देते तो क्या बिगड़ जाता यार। मैं भी तो जल्दी बोलती ना यार। अब आ गए भाई मेरी चटनी। ओहो गाइस मैं ये बताता चलू, इसमें मिर्चें नहीं होती क्योंकि ये कश्मीरी मिर्च की बनी हुई है, इसमें और भी आइटम डलते हैं तो इसमें मिर्चें कम होती है, टेस्ट ज्यादा होता है। भाई साहब जीजा तुमने बेशक बहुत अच्छी बनाई है पुलाव, नो डाउट, लेकिन जो मजा चटनी से आ रहा ना वो बिना चटनी के नहीं आ रहा। चटनी भी बना देंगे किसी दिन और, बोलो गाइस आप लोग कमेंट्स में बताएं, ये जीजा जो है आपको अभी भी बना के देगा चटनी, बहुत अच्छी चटनी बनाता है ये। यार जैसे आप लोग वीडियो पे हमारे प्यार दिखा रहे हैं ना, मसाले वाले पे आपने बहुत प्यार दिखाया है, फिर अभी आजकल डिमांड आ रही है मिर्चे वाले मसाले की, तो यार इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको मसाले वाली वीडियो भी दें, मिर्चों के मसाले वाली। तो गाइस वीडियो काफी लंबी हो गई है और मैं खुल के खा भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अपने से होश बना होता नहीं है कैमरे के सामने जो है ना, तो हम लेंगे आपसे विदा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, नहीं दबाएंगे तो मैं घर आके घंटियां बजाऊंगा सबके घरों की। तो गाइस हम लेंगे आपसे अलविदा, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो मिलेगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।